तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है गेहूं का, डेबुकोनाजोल, बायर कंपनी का डेबुकोनाजोल है और विटावेक्स पाउडर। डेबुकोनाजोल 1 किलो पर 2 ग्राम हमको डालना है और ट्रीटमेंट करो। करना है डेबुकोनाजोल से। और ये जो गेहूं आप देख रहे हैं, ये श्रीराम सुपर 111 गेहूं है। आप ये इसका दाना देखें और इसकी गेहूं की क्वालिटी देखें, रोटियां बहुत ही नरम आती है और उत्पादन क्षमता बहुत ही इसकी मारक है, बहुत उत्पादन क्षमता है इसकी। पिछली बार हमने 8 बीघा के अंदर, 8 से 9 बीघा के अंदर 2 क्विंटल गेहूं बोई है और 200 क्विंटल हमने पकाई थी। ये हमारा पिछली बार का अनुभव है इसका। हम 4 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, श्रीराम सुपर 111। 8 से 9 बीघा में ये 2 क्विंटल हम बोते हैं और उत्पादन इसका 200 क्विंटल निकलता है, 200 से ऊपर ही निकलता है। तो ये ट्रीटमेंट कर दिया है, इससे बहुत सारे रोग नहीं आएंगे, सूखेगी नहीं आपकी गेहूं और गेरुआ गेरुआ रोग नहीं आएगा। और नेचुरल फंगिसाइड डेबुकोनाजोल जरूर जरूर ट्रीटमेंट करें। और सूखे ये में बोके विटावेक्स बहुत पाउडर, पानी देते हैं, और अभी लेट हो गए थोड़ा सा, सूखे में कल इसकी बोनी है और पानी दे देंगे। पानी दे देंगे तो कल ही इसको हम लोग बो देंगे, 10 नवंबर को इसको हम लोग बो देंगे। तो आप कैसी बुआई कर रहे हैं जरूर जरूर बताएं। और इसकी बीज दर जो रखेंगे, 1 बीघा के ऊपर हम लोग इसकी बीज दर रखने वाले हैं, 20 किलो, लगभग 15 से 20 किलो इसकी बीज दर रखेंगे। 15 किलो तक ही रखेंगे लगभग लगभग हम इसकी बीज दर, तो 15 किलो बीज दर हम रखने वाले। पिछली बार भी 15 किलो के आसपास बीज दर हमने रखा था। आपको ये कैसा लगा आप जरूर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।